वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो जैसे कि हम मैंने आपको पहले बताया था अपने पहले वाली वीडियो में रेलवे ट्रैक इंट्रोडक्शन में कि हम सारे पार्ट बाय पार्ट करेंगे, तो वैसे ही आज हम एक अलग टॉपिक पे बना रहे हैं जो कि हमारा रेलवे ट्रैक का ही होएगा, गेजेस इन रेलवे ट्रैक। गॉज नहीं है, गेजेस है। गॉज अलग होता है, वो मेजर करता है, गेज अलग होता है। गेजेस इन रेलवे ट्रैक, देखो गेजेस कुछ 3 से 4 तरह के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि गेज क्या होता है। द गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर और रनिंग फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेजेस, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप डिग्री कर रहे हो सिविल इंजीनियर डिग्री में, मैं डिग्री पे ही वीडियो बनाता हूँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको हर एग्जाम में आएगा कि टाइप्स ऑफ गेजेस या गेजेस क्या होते हैं, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो ये अच्छे से आप डेफिनेशन वगैरह ये सारी थ्योरी पढ़ना, और ये सारी मैंने एक रेपुटेटेड बुक से उठाई है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, कहीं भी आपके नंबर वगैरह नहीं कटेंगे। तो द गेज ऑफ रेलवे ट्रैक डिफाइंड एज अ क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर और रनिंग फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स। मतलब कि जैसे समझो ये एक रेल लाइन है, कुछ ऐसे दिखाता हूँ मैं इसमें अगर आपको समझना है, तो ये समझो ये एक रेलवे लाइन है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होएगा ना इसे हम कहेंगे गेज, इसे हम कहेंगे गेज। तो मतलब कि दो बिटवीन इनर और रनिंग फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स, मतलब जो इनर, ठीक है ना, इनर फेस, ये फेस इनर हो गए तो इसे हम बोल देंगे गेजेस, ठीक है ना। गेज ये यहाँ पे डायग्राम में अब ये शो करा हुआ है, और आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ पेयर ऑफ व्हील्स इज कॉल्ड द व्हील गेज। अब जैसे समझो इसके ऊपर ऐसे टायर चल रहे हैं, ये कुछ इस तरह है, थोड़ी मेरी ड्रॉइंग खराब है तो आप प्लीज अवॉइड करें। द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ पेयर ऑफ व्हील्स, अब जो जैसे समझो ये एक्सल है, तो एक्सल के यहाँ से मतलब इनर फेस यहाँ से, ये यहाँ से, ये एक्सल यहाँ तक, एक्सल ये ऐसे होता है यहाँ से, लेकिन ये टायर के यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलेंगे व्हील गेज, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं गेजेस में टाइप्स। तो ये आपको डायग्राम से अच्छे समझ आ गया, ये डायग्राम अगर आपको लग रहा है कि सर क्या डायग्राम है, तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, या तो आई कार्ड में आ जाएगा आपको उसका लिंक, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, सारा मैंने अच्छे समझाया था। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गेजेस। अब टाइप्स ऑफ गेजेस देखो, हमारे इंडिया में 4 तरह के मोस्टली यूज होते हैं गेजेस। अब मोस्टली यूज मतलब ये होने ही होने, मतलब और ये पूरा कोड पे चलता है, ये स्टैंडर्ड है, आप ये चेंज नहीं कर सकते। अगर आप भी कहीं रेलवे इंजीनियर बनते हो तो आप ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये पूरा इंडिया के अकॉर्डिंग चलेगा। तो टाइप ऑफ गेज देखो, सबसे पहले हमारा आता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज में हमारा BG बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, हम आगे हर कहीं BG, MG, NG, LG यूज करेंगे, तो आप प्लीज़ इसको याद अच्छे से कर लें। तो ब्रॉड गेज की हमारी देखो विड्थ क्या होती है, 1.67 मीटर, मतलब ये सबसे बड़ा यही है ब्रॉड गेज। तो मतलब कि जैसे ये रेल लाइन है, ये वाला फेस है जो, और ये वाला फेस है जो, ये यहाँ से ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है ना, ये इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये BG होगा, ठीक है ना, मतलब कि सबसे बड़ी वाली तो BG होगी, शायद नहीं होगी ये BG, शायद मीटर गेज होए, फिर उसके बाद ये नैरो हो जाए या फिर लाइट गेज हो जाए, वो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर हम इसको सबसे बड़ी लेके चल रहे तो BG कुछ इस तरह की शो होगी, और अगर हम इसको नैरो गेज लेके चल रहे बीच वाली को, तो कुछ नैरो गेज यहाँ से लेके इस फेस से लेके ये वाला डिस्टेंस नैरो गेज होगा, कितना हो सकता है, 0.762 मीटर। तो अब हमारे 4 तरह के होते हैं ब्रॉड गेज, मैंने समझा दिया। मीटर गेज MG से डिनोट होता है, 1 मीटर की डिस्टेंस होएगा इसका बीच में फेसेस के, ठीक है ना। अब थर्ड टाइप हमारा होएगा नैरो गेज है 0.762 मीटर। लाइट गेज क्या होता है, LG से हम इसको डिनोट करते हैं, लाइट गेज 0.610 मीटर। अब ये सारे कहाँ क्यों क्यों कैसे यूज होते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो सिलेक्शन ऑफ गेजेस आ गया, सबसे पहले हमारा देखो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, देखो इसमें कोई डायग्राम वगैरह ज़्यादा है नहीं, ना ही आपको बस ये एक डायग्राम थी और एक दो, ये बस इतना ही आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं इस डायग्राम में, और जरूरत भी नहीं है, सारा थ्योरी का ही है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है गेजेस आप कैसे यूज कर रहे हैं। देयर इज अ लिटिल इंक्रीज इन द इनिशियल कॉस्ट इफ सिलेक्ट अ वाइडर गेज से BG, देखो BG सबसे बड़ा है ना ब्रॉड गेज, तो हमने वो ले लिया, तो उसका सबसे ज़्यादा कॉस्ट होगी जो कि हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज ड्यू टू द रीजंस, द कॉस्ट ऑफ ब्रिजेस टनल स्टेशन बिटवीन स्टाफ क्वार्टर सिग्नल्स कैबिन एंड लेवल क्रॉसिंग्स इज द सेम फॉर ऑल द गेजेस, ठीक है ना। मतलब गेजेस में ब्रिजेस टनल स्टेशन बिल्डिंग स्टाफ क्वार्टर सिग्नल्स सब सेम होता है, तो इसके डिपेंड ही नहीं करता ये वाला।
कॉस्ट ऑफ अर्थ वर्क इन मेकिंग एम्बैकमेंट्स एंड कटिंग्स ब्लास्ट स्लीपर रेल्स एक्सेट्रा वुड प्रोपोर्शनली इंक्रीज विद इंक्रीज इन गेज विड्थ। वही है कि अगर बीजी है तो ज़्यादा यूज होगा हमारा ब्लास्ट स्लीपर और रेल्स। अगर हमारा देखो एलजी हुआ जो कि हमारा लाइट गेज है तो कितना ही फर्क है, 1 मीटर का पूरा फर्क पड़ जाएगा, 1 मीटर गेज का फर्क पड़ जाएगा, तो उसमें तो बहुत ही कम यूज होगा। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक होता तो कितना कम यूज होता। तो वो इसमें बताया हुआ बी पॉइंट में। सी में देयर इज अ लिटिल प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर परमानेंट ट्रैक विद इंक्रीज इन गेज। वो ये कि परमानेंट ट्रैक के लिए जो हमारा लैंड होगा वो भी हमें ज़्यादा यूज होगा, तो उसमें थोड़ा वो लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है ना। अब डी द कॉस्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गेज यूज फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। मतलब कि जो हमारा रोलिंग स्टॉक है वो इंडिपेंडेंट ही है गेज के लिए जो कि हमारा सेम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक पे नहीं डिपेंड करता। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज नॉट एप्रिशिएबल इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन विड्थ ऑफ गेज। देयर इज नॉट एन एप्रिशिएबल इंक्रीज, मतलब कि बहुत ही कम होता है, तो हम ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है फिर भी सिलेक्शन ऑफ गेजेस, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, सेकेंड फैक्टर क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक। इट इज एविडेंट दैट विद ग्रेटर ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ग्रेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी द ट्रेन शुड बी रन बाय बेटर ट्रैक्शन टेक्निक और बाय बेटर लोकोमोटिव, ठीक है ना। कि अगर हमें वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर ट्रैफिक ज़्यादा है, हमारा कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमें एक अच्छा ट्रैक्शन टेक्निक और या फिर अच्छा लोकोमोटिव होना चाहिए। लोकोमोटिव यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इंजन हो गया। फॉर हैवियर लोड्स एंड हाई स्पीड द वाइडर गेजेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज सब्सिक्वेंटली द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर लेस फॉर हायर कैरिंग कैपेसिटी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा, बीजी, ठीक है ना। वाइडर गेजेस आर रिक्वायर्ड बिकॉज सब्सिक्वेंटली द ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर इज लेस फॉर हायर कैरिंग कैपेसिटी। वही है कि जैसे समझो अगर हमने लाइट गेज यहाँ पे यूज कर लिया तो इस पर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी पर टन की, ठीक है ना, तो वो झेल नहीं पाएगा, तो उसके लिए हमें बीजी। अब देखो जहाँ पे लाइट गेज नहीं आ सकता ना, लेकिन वहाँ पे कौन सा आ सकता है, नैरो गेज आ सकता है, तो नैरो गेज लगाएंगे। ये नहीं कि लाइट गेज से सीधा हम ब्रॉड गेज लगा देंगे, ठीक है ना। ये सारे वेट आपको देख के करना पड़ता है कि अगर तो हमारा देखो लाइट गेज नहीं डल सकता, लेकिन हमारा नैरो गेज डल सकता है, तो हम नैरो गेज ही लगाएंगे। ये नहीं कि हम सीधा बस लाइट गेज नहीं लग सकता तो सबसे बड़ा ही कर देंगे, तो ये चीज़ गलत है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ द एरियाज। नैरो गेजेस कैन बी यूज टू डेवलप द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज बाय जॉइनिंग द अंडर डेवलप्ड एरियाज विद डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड एरिया। वो ये कि नैरो गेजेस हमारा जहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है एरिया या फिर बहुत थोड़ी अर्बनाइज्ड एरियाज है, तो वहाँ पे हमारा नैरो गेज यूज होता है। आपको समझ आ गया ना कि देखो सबसे पहले बीजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिपेंड नहीं करता, तो बीजी यूज कर सकते हैं मोस्टली, और वॉल्यूम और नेचर ऑफ ट्रैफिक पे बीजी डिपेंड ज़्यादा करता है, मतलब बीजी ज़्यादा जरूरत है जो कि ब्रॉड गेज है। लेकिन जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है एरियाज की, तो वहाँ पे हम नैरो गेज यूज करेंगे। फोर्थ, फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री, कंट्री पे भी डिपेंड करता है। यूज ऑफ नैरो गेज इज वारंटेड इन हिली रीजंस वेयर ब्रॉड एंड मीटर गेजेस आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड शार्प कर्व्स। मतलब कि जहाँ पे हमारा मीटर गेज और ब्रॉड गेज नहीं आ सकता, तो वहाँ पे हम नैरो गेज लगाते हैं। वो कौन सी जगह होती है जहाँ पे स्टीप ग्रेडियंट्स होए, शार्प कर्व्स होए, और ये कहीं हो सकते हैं, हिली में। देखो मतलब कि यहाँ पे हमारा 0.762 मीटर की विड्थ पे हम चलेंगे हिली एरियाज में, ये भी हमें पता चलता है कि हिली एरियाज में नैरो गेज यूज होते हैं। और फिफ्थ, स्पीड ऑफ मूवमेंट, और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द गेज। स्पीड इज अ फंक्शन, मतलब प्रोपोर्शनल है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू गेज, मतलब अगर गेज बढ़ाएंगे तो हम स्पीड भी बढ़ेगी, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो गेज भी बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ अ डायमीटर ऑफ व्हील। स्पीड किस पर डिपेंड करता है, डायमीटर पे व्हील। देखो बहुत नई चीज़ पता चली है ना, आपने कभी सोचा होगा कि जो हमारी ट्रेन की स्पीड है, हम तो सोचते हैं इंजन पे डिपेंड करती है कितनी उसे हॉर्स पावर है, कितना वो है, नहीं, वो किस पे डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ व्हील पे डिपेंड करती है, विच इन टर्न इज लिमिटेड बाय द गेज। वो ये है कि डायमीटर हमारा गेज पे डिपेंड करता है सारा कुछ। द व्हील डायमीटर इज जनरली 0.7 टाइम दैट ऑफ द गेज, मतलब कि हमारा जो व्हील है, व्हील ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू क्या होएगा हमारा, डायमीटर इंटू 0.75 टाइम्स ऑफ गेज, ठीक है ना। ये हमारा एक वैसे न्यूमेरिकल के लिए दिया, मैं तो फिर भी आपको समझा दिया इस लाइन के लिए, ठीक है ना। लोअर स्पीड डिस्करेज द कस्टमर्स, वो तो है ही, अगर बहुत स्लो चलेगी तो हम कहेंगे यार बहुत टाइम लगता है ट्रेन में, नहीं जाएंगे, तो वो डिस्करेज करता है। एंड सो फॉर मेंटेनिंग हाई स्पीड्स द बीजी द ब्रॉड गेज इज प्रेफर्ड। बीजी हमारा स्पीड ऑफ मूवमेंट के लिए जरूरी है, तो मोस्टली हमारे इंडिया में ना बीजी चलता है और मीटर गेज चलता है, ठीक है ना। बीजी क्या हो गया, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। नैरो ब्रिज और लाइट गेज थोड़ा कम यूज होता है हमारा।
अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। देखो वीडियो में कोई ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, इन पे 10 से 15 मिनट की बनेगी, तो आप अच्छे से एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना सिविल इंसाइट। यहाँ पे आपको ये फोटो एक दिखेगी आपको, एक सिविल इंजीनियर की, और बस उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट में एक बटन आ जाएगा सब्सक्राइब का, और सब्सक्राइब कर देना। तो अब यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? गेज टू बी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल बिकॉज इट विल अवॉइड मैनी डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन अ नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम। ठीक है ना, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम, ये थोड़ा लाइन ऊपर चलेगी कि मतलब ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज, मतलब कि गेज एक पर्टिकुलर कंट्री का सेम होना चाहिए मोस्टली, नहीं तो क्या होता है कि डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा आ जाती है। द यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग एडवांटेजेस। अगर तुम्हारा यूनिफॉर्म है गेज तो उसमें क्या क्या एडवांटेज आती है देखो, वो पढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस लिखी हुई है और भी होती है, वो आप अगर आप मुझसे चाहते हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट में डाल दूंगा, नहीं तो मैं आपको कोई लिंक दे दूंगा जहां से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले हमारा पॉइंट आएगा द डिले कॉस्ट एंड हार्डशिप इन ट्रांसशिपिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम द व्हीकल्स ऑफ वन गेज टू अनदर इज अवॉइडेड। वो ये है कि गेज अगर हम अलग अलग है ना, तो हर एक ट्रेन वहाँ पे जा नहीं पाएगी, तो मतलब कि हमें एक स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, दूसरे स्टेशन के लिए अलग ट्रेन लेनी पड़ेगी, ऐसे चेंज ट्रेन ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो हमारा थोड़ा कॉस्ट भी बढ़ेगा और हार्डशिप भी बढ़ेगी, मतलब वर्कबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो वो इस पॉइंट में बताएगी यूनिफॉर्मिटी इसलिए यूज़ होती है। एज ए ट्रांसशिपिंग इज नॉट रिक्वायर्ड देर इज नो ब्रेकेज ऑफ गुड्स। वो ये कि अगर हम ज़्यादा कुछ शिप, अगर समझो एक ट्रेन से हम शिप कर रहे हैं, समझो हम दिल्ली से केरला भेज रहे हैं, ठीक है ना, अगर यहाँ पे गेज अगर यूनिफॉर्म हो तो शायद एक बार में या फिर दो चेंज में पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पे गेजेस बहुत ज़्यादा फर्क हुआ तो 10 10 बार उसको चेंज करना पड़ेगा, ट्रेन 15 बार करनी पड़ेगी, तो उसमें ब्रेकेज भी हो सकता है गुड्स की। तो वो इस पॉइंट में बताया था। थर्ड पॉइंट, डिफिकल्टीज इन लोडिंग एंड अनलोडिंग आर अवॉइडेड, लेबर एक्सपेंसिस आर सेव। वही है कि अगर तो आप ये उतारोगे तो लेबर भी लगेगी, वो करेगा, वो सब हट जाएगा। फोर्थ, पॉसिबिलिटी ऑफ थेफ्ट एंड मिसप्लेसमेंट भी कम हो जाएगी वाइल चेंजिंग फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर इज एलिमिनेटेड। ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। लार्ज शेड्स टू स्टोर गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ये भी नहीं यूज होएगा। तो लेबर स्ट्राइक्स एक्सेट्रा डू नॉट अफेक्ट द सर्विस एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स। देखो लेबर स्ट्राइक्स, अगर तो गेजेस हमारे इक्वल है तो मोस्टली हमारे ट्रेन को पटरी से उतारना नहीं पड़ेगा, ट्रेन चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो वो भी अगर लेबर हमारी स्ट्राइक पे जाती है तो वो भी इफेक्ट नहीं करेगी। सरप्लस वेजेस ऑफ वन गेज कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अनदर गेज, दिस प्रॉब्लम विल नॉट अराइज इफ गेज यूनिफॉर्म। वेगन्स क्या हो गया यहाँ पे, वही हो गया हमारा लोकोमोटिव इंजन वगैरह, तो मतलब हमें कि बार बार अलग अलग यूज पे नहीं करना पड़ेगा, सीधा बस एक पे ही हो जाएगा अगर गेज यूनिफॉर्म है। डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट सच एज प्लेटफॉर्म सैनिटरी अरेंजमेंट क्लॉक एक्सेट्रा इज अवॉइडेड, दिस सेव्स अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। मतलब कि हमारा डुप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट सच एज प्लेटफॉर्म सैनिटरी अरेंजमेंट्स, तो मतलब ये जैसे समझो अगर हमारा यूनिफॉर्मिटी है तो स्टेशन वगैरह कम यूज होंगे, तो स्टेशन में सबसे ज्यादा ना क्लॉक से चोरी होते हैं, सही बात तो है, ठीक है ना, तो वही तभी यहाँ पे क्लॉक्स लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा है फनी। तो प्लेटफॉर्म्स मतलब कि जैसे स्टेशन, जैसे समझो अगर यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है तो स्टेशन कम होंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्लली हर एक सिटी में एक स्टेशन होगा, नहीं तो कोई कोई सिटीज में 3 से 4 है, किसी में 5 से 6 है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उससे हमारे क्यों कैसे कम होएगा, वो हमारे यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेजेस से होगा। तो ये था गेजेस के बारे में। देखो गेजेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन और टाइप्स, ये आपको विड्थ वगैरह सारी याद करनी पड़ेंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गेजेस पर। तो गेजेस अब हमारा टॉपिक डल चुका है, गेजेस भी आपको अपलोड हो चुकी है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन नहीं देखी रेलवे ट्रैक में, तो आप रेलवे ट्रैक की, तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, और सिविल इंसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।